व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आया था कि मेरा कुछ इनाम निकला हुआ है। जी सर, मैं जियो केबीसी कंपनी की तरफ से अभिनव शर्मा बात कर रहा हूँ। क्या ये हमारी बात नवीन जी से हो रही है? जी कहिए। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, सर आपके मोबाइल नंबर पर जियो केबीसी कंपनी की तरफ से स्कॉर्पियो गाड़ी निकली है इनाम में, जिसकी कीमत है 18 लाख रुपए। सर जी, तो सर ये इसी के अंतर्गत सर आप तक पहुँचाने के लिए सर ये कॉल किया गया है। जी जी सर जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं जियो केबीसी कंपनी मुंबई से बात कर रहा हूँ, हेड ऑफिस मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी ये मेरे नंबर पे इनाम निकला हुआ है। जी सर, आपके ये मोबाइल नंबर पर इनाम निकला है सर। लेकिन मैंने तो सर कोई फॉर्म वगैरह भरा नहीं था। जी सर, जी सर, मैं बिल्कुल आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आपका इनाम कैसे निकला है। जी जी सर, हमारी जियो कंपनी का जो सिम कार्ड है, पूरे देश में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जी उन सभी मोबाइल नंबरों पर हमने सर लकी ड्रॉ कराया था। जी उन पूरे देश भर के मोबाइल नंबरों में सर आपका मोबाइल नंबर सर पहले नंबर पे लकी ड्रॉ में विनर हुआ है सर। जी इसीलिए सर आपको ये जियो केबीसी कंपनी की तरफ से महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी इनाम में दी जा रही है, जिसकी कीमत है 18 लाख रुपए। सर जी जी सर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर ये आप इनाम में सर देखिए यहाँ पे ऑफर है, चाहे आप गाड़ी ले लीजिए, चाहे तो आप पैसा भी ले सकते हैं इसके बदले। जी तो सर आप क्या लेना चाहेंगे, आप गाड़ी लेना चाहेंगे या फिर आप पैसा लेना चाहेंगे? नहीं, आप गाड़ी कर दीजिए, पैसा तो है। जी जी बिल्कुल, अगर आप गाड़ी चाहते हैं तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप पैसा चाहते हैं तो पैसा मिल जाएगा। ठीक है जी सर, हम आपको गाड़ी आपके घर पे डिलीवरी करवा देंगे। जी जी सर, आप चाहते हैं गाड़ी तो आपके घर पे डिलीवरी सर करवा दी जाएगी। जी जी तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? जी ये सर, इसका सर मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपका पहले किया जाएगा, जी गाड़ी आपके घर तक पहुंचाने के लिए, डिलीवरी करवाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। इसके लिए सर आपको अपना एक आधार कार्ड का एक फोटो क्लिक करके खींच के हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, जी साथ में अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो भी हमें भेजना होगा। जी जी ये सारा डिटेल जैसे आप हमें भेजेंगे, आपका यहाँ से वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ से गाड़ी सर आपके घर पे सर डिलीवरी का प्रोसेस सर शुरू कर देंगे। ये वेरिफिकेशन पे के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह तो नहीं देना पड़ेगा? देखिए सर, अभी हम यहाँ से आपका लोकेशन सर चेक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लिक करेंगे, पहले आप अपना आधार कार्ड भेज देंगे, ठीक है सर? फिर हम चेक कर लेंगे कि सर आपके नाम पर सर गाड़ी पूरा सर आप ही का है या डिटेल या फिर नहीं, ठीक है? जी जब आप सर आधार कार्ड वगैरह हम मैच कर लेंगे, फिर हम आपको एक छोटा सा एक आपका जो 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 आपका वो सर्टिफिकेट होगा वो हम आपको भेज देंगे, जी जिसमें आप देख पाएंगे कि सर आपका वहाँ पे फोटो लगा होगा, स्कॉर्पियो गाड़ी भी या आपकी उसमें पूरी होगी, जी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो सर ये इसमें सर रजिस्ट्रेशन का सर खर्चा आएगा। जी कितना खर्चा आएगा? ये सर रजिस्ट्रेशन का खर्चा सर इसमें आएगा आपको 16,500 रुपए। जी क्योंकि सर आपको मालूम होगा कि स्कॉर्पियो गाड़ी सर इतनी महंगी गाड़ी है, और आपका सर घर पे भिजवाने का भी सर हमारा खर्चा आएगा, तो वो सर हम कस्टमर से ही लेते हैं, जो लोग विनर होते हैं हम उसी से लेते हैं। तो ये 16,500 रुपए सर आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का खर्चा आता है, और जैसे ही आप ये जमा करेंगे सर, हम यहाँ से गाड़ी आपके घर पे सर डिलीवरी करवा देंगे। तो ये पेमेंट हमको पहले करना पड़ेगा? जी ये पेमेंट सर आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि सर यहाँ से डिलीवरी का और रजिस्ट्रेशन का ये खर्चा है सर, ये दोनों आपको जमा करना पड़ेगा। नहीं, मैं क्या कह रहा था, अगर आप ये पहले खर्चा हम ना देकर जब गाड़ी डिलीवरी हो मेरे घर पे, जी टाइम पे जो बंदा लेकर आएगा उसको हैंड टू हैंड दे दें, तो आपका 16,500 रुपए जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है। जी जी वो बात मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए सर कोई डिलीवरी का जो सर वो आपका जो खर्चा है, जी ठीक है, उसमें सर एक्चुअली ये सर गवर्नमेंट का सर ये खर्चा जाता है, ये गवर्नमेंट को सर हम लोग जमा करते हैं। जी ठीक है सर, तो सर ये वेरिफिकेशन के लिए सर ये आपको पहले ही जमा करना पड़ेगा। हेलो, नहीं तो ये पेमेंट होगा कैसे? ये सर देखिए, आप गूगल पे, फोन पे या फिर आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप उसमें भी डायरेक्टली भेज सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, कंपनी का आपको भेज दिया जाएगा पूरा डिटेल, आप उसमें जमा कर दीजिएगा। मेरे पेमेंट करने के बाद, मैंने पेमेंट कर दिया, फिर कितने टाइम बाद गाड़ी डिलीवरी होगी? वो सर आपको 2 दिन के अंदर सर, ठीक है सर, 24 घंटे से लगा के आपको 48 घंटे के अंदर सर आपको ये गाड़ी आपके घर पे डिलीवरी करवा दी जाएगी। तो सर काम करिए आप, जी गाड़ी रहने दीजिए, जी सर जो पेमेंट बनता है जी वो आप मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर करवा दीजिए, और आपका जो सर आप अगर पैसा लेना चाहते हैं तो आपको पैसा दे दिया जाएगा, 18 लाख आपको रुपए दे दिया जाएगा, लेकिन सर ये आपको रजिस्ट्रेशन का खर्चा तो सर आपको देना ही पड़ेगा। तो आप ये रजिस्ट्रेशन का खर्चा उसी पैसे से काट लीजिएगा ना, बाकी आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए।
सॉरी सर, ऐसा नहीं हो सकता, हम उसमें से काटने की इजाजत नहीं होती है सर। ये कस्टमर को हमें पूरा दिखाना पड़ता है, पूरा कागज में लिख के आता है कि आपका पूरा 18 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। और सर ये रजिस्ट्रेशन का फीस सर अलग से होता है, ये सर कस्टमर को पहले जमा ही करना पड़ेगा। जी जी ये जब तक आप जमा नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से सर कोई भी जो भी फंड है वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये ठीक है सर। पॉलिसी है जी, ये हमारी पॉलिसी आपने सर। नाम ये क्या सर बताया था अपना? जी आपने नाम क्या बताया था? जी मेरा नाम अभिनव शर्मा है, हेड ऑफिस मुंबई से बात कर रहा हूँ, केबीसी कंपनी से, काउंटर नंबर 3 से बात कर रहा हूँ। आपको पता है आपकी बात किससे हो रही है? क्या आपको पता है आपकी बात किससे हो रही है? जी नवीन जी बात कर रहे हैं? रवीन हेलो, की बात नहीं कर रहा हूं मैं इंडियन आर्मी से बात कर रहा हूं। अरे अरे नहीं, आप पहले कंफर्म किया करो कि आपकी बात किससे हो रही है, उसके बाद आप ये सारी जो अपनी कहानी है ना उसको समझाया करो। कब से कर रहे हैं आप ये? क्या 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 कहना क्या चाहते हैं आप? हम नहीं, 3 साल आप से जियो जो केबीसी कॉल कंपनी में कर रहे हैं काम आप कर रहे लोगों हैं के साथ कब से कर रहे हैं? जी। हम 3 साल से आप काम कर रहे हैं जियो केबीसी कंपनी में जियो के किसी कंपनी में काम कर रहे हैं आप? जी सर, जियो केबीसी कंपनी से जो बात। नाम बताकर आप लोगों को पैसा लूट रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, आपने अभी गाड़ियों में पेमेंट डिलीवर कराया है, बताइए। जी सर, अभी पूरे देश में सर हम लोग 55,500 सर गाड़ियां ट्रांसफर करवा चुके हैं जी जी। नहीं, आप जो ये फ्रॉड कर रहे हैं हमको मत समझाइए, ठीक है? और जो ये पूरे देश की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में डिलीवर कराया है, तो आप भले ही किसी देश में ना जाते हो लेकिन हम जहां जहां पहुंच पाएंगे ना आपको ये भी नहीं पता है। अरे आप कर क्या लेंगे बताइए ना, क्या है दो मिनट बताइए। में आपका ये नंबर हम ट्रेस करा लेंगे या क्या क्या लेंगे? अभी आप इंडियन आर्मी की ताकत को जानते नहीं हो, ठीक है? अरे 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 अरे, क्या कर रहे हैं आप? अरे इसमें तो फोन ही काट दिया। तो आप ये देखिए, इस तरह के फ्रॉड कॉल से बचे रहिए। ये KBC, व्हाट्सएप, फेसबुक से नाम, फ्लिपकार्ट से नाम, अमेजोन से कॉल, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं इन चीज़ों से आप सतर्क रहिए। और इस मैसेज को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे और उनको इस चीज़ की जानकारी हो पाए कि वो इनको इस फ्रॉड से कैसे बचना है।